दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंदौर शहर रोड साइड या स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है। और स्ट्रीट फूड में जो गुजराती कड़ी फाफड़े हैं, वो जगह चिकमंगलूर चौराहे, मतलब सुभाष मार्ग पर चिकमंगलूर चौराहे पर स्थित है। और इनके कड़ी फाफड़े के बारे में आइए हम जानेंगे। यहाँ पर मिलने वाले कड़ी पापड़े, जैसा कि आप देख रहे हैं, शाम के वक्त भी इतनी भीड़ है और लोग बड़े चाव से इसको खाते हैं। तो कड़ी पापड़े के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ के रेट्स के बारे में भी बात करेंगे। कड़ी पापड़े के लिए फेमस, पर बाकी की चीजों के लिए भी आप देख रहे हैं ये बहुत फेमस है। और यहाँ मिलने वाली सारी आइटम बहुत ही किफायती है। श्री कृष्ण कड़ी पापड़े सेंटर पर आज हमने कुमावत जी से बात की, तो उन्होंने बताया पिछले 25 साल से वो इंदौर के लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। ये पापड़े जो बनाते हैं, इसको देख रहे हैं आप किस तरह पापड़े बनते हैं। पापड़े बनाने की जो टेक्निक है, वो एक अपने आप में विशिष्ट टेक्निक होती है। सिंपल पर बड़ी टेक्निक वाली चीजें हैं। ये देखिए एक एक पापड़ा कैसे बनता है। श्री कृष्ण कड़ी पापड़े सेंटर पर मिलने वाली चीजों में इमरती भी बहुत इनकी फेमस है। और इमरती जिस तरह से बनती है, ये भी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे तो तली जा रही है, पर इसका जो बैटर बनता है, ये इमरती जो बनती है, उड़द की दाल भिगो कर उसको अच्छी तरह से पीसा जाता है पहले। तो ये देख रहे हैं, ये बैटर बन रहा है इमरती का। ये इस तरह बनता है इमरती का बैटर। इसमें उड़द दाल पीसने के बाद में थोड़ा सा अरारोट मिलाते हैं, अरारोट मिला के और फिर उसको तला जाता है। ये श्री कृष्ण गुड़ कड़ी पापड़ा सेंटर पर एक कस्टमर हैं, जो इनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया अभी हाल ही में वो हेल्थी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं। पर हॉस्पिटल से निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कड़ी पापड़े का टेस्ट किया जाए। तो जैन साहब, यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं? मैं तो आता हूँ 25 साल हो गए। 25 साल से आ रहे हो आप? और मेरा पेपर का काम है नरेंद्र जैन, वर्धमान ट्रेडर्स, नई दुनिया, भास्कर, सब जगह सप्लाई होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर सबसे बड़ी बात है कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर पहले कड़ी पापड़े खाने आए, वो बहुत। श्री कृष्ण कड़ी पापड़ा सेंटर के कुमावत जी से हम बात कर रहे थे। और देखिए, इतनी बिजी होने के बाद भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती है और हंसते हुए सारे कस्टमर्स को डील करते हैं। और पिछले 25 साल से, जैसा मैंने बताया, इंदौर को सेवाएं दे रहे हैं। तो क्या खासियत है सर आपके कड़ी पापड़े की? हमारे कड़ी पापड़े ना गुजरात से भी बढ़िया बनते हैं। अच्छा, बहुत दूर दूर से लोग कड़ी पापड़े खाने आते हैं। हाँ, मतलब फाफड़े कम और कड़ी ज्यादा खाते हैं। कड़ी ज्यादा खाते हैं। ये बेसन से बनते हैं? बेसन, प्योर बेसन से बनाते हैं। बेसन और क्या डलता है इसमें? अजवाइन और नमक और खाने का थोड़ा। अच्छा, इतना तो बहुत बढ़िया और बहुत ही किफायती भी है। तो दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन के बतौर आपको वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करें। और मेरा आपसे निवेदन है कि कड़ी पापड़ा सेंटर, श्री कृष्ण कड़ी पापड़ा सेंटर पर आकर इनके पापड़े इमरती और इम्पोर्टेंट मतलब कड़ी जरूर टेस्ट करें। थैंक यू सो मच। श्री कृष्ण कड़ी पापड़ा सेंटर, गुजराती कड़ी पापड़ा सेंटर के संचालक नीरज कुमावत जी, जो यंग हैं और अपने पिताजी के प्रतिष्ठान में सहयोगी भी हैं, तो नीरज जी भी पूरे टाइम यहाँ पे होते हैं। नीरज जी, दुकान कब खुलती है? अपनी दुकान सुबह 7:30 बजे। 7:30 बजे से ये सारी चीजें? अरे, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच।